जब किसी की जिंदगी में शतायु का आशीर्वाद महत्वहीन हो जाए अर्थात 100 साल भी छोटा पड़ जाए तो वह व्यक्ति अपने आप ही इस दुनिया में महामानव की उपाधि से विभूषित हो जाता है। 104 साल की उम्र पार करने के बावजूद भी 12 महीने में 4 महीने तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर भी अथक हों, ऐसे लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं है। विश्व के 140 देशों में फैले आध्यात्मिक क्रांति की शाखाओं के मुखिया और 46,000 युवा बहनों के अभिभावक राजयोगिनी दादी जानकी जी एक ऐसी जीती जागती नारी शक्ति की मिसाल हैं, जिन्होंने जनवरी 2020 को अपने जीवन के 104 वर्ष पूरा करते ही एक वर्ष में 72,000 किलोमीटर की यात्रा का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आदरणीय दादी जानकी जी उम्र के पड़ाव पर तो शतक पार कर 104 का आंकड़ा छू चुकी हैं। आध्यात्मिक उड़ान में सर्वोच्च स्थिति पर आसीन राजयोगिनी दादी जानकी के सामने विज्ञान सत्ता से लेकर राज सत्ता तक सभी नतमस्तक हैं। तभी तो स्वयं देश के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद ही दादी जी से मिलने और उनकी मेहमान नवाजी करने आया हूँ। उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। दादी स्वयं मुझे निमंत्रण देने आना चाहती थी, तो मैंने उनको विनम्रता के साथ एक निवेदन किया कि आप मेरी ओर से दादी को ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि वो मुझे निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आने का कष्ट ना करें। मैं आऊँगा, दादी से मिलने आऊँगा, दादी को सुनने आऊँगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊँगा। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दादी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। दादी जी की रूहानी उड़ान तो है ही, साथ ही शरीर की उड़ान से पूरी दुनिया में आज भी शांति, अमन और चैन का पैगाम दे रही हैं। उन्होंने एक साल के अंदर 72,000 किलोमीटर की यात्रा का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए देखते हैं 2019 की दादी जी की उड़ान। दादी जी की पहली यात्रा जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही प्रारंभ हो गई थी और उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने वरद हस्तों से नव निर्मित हार्मनी हाउस का उद्घाटन किया। दो दिवसीय प्रवास के बाद वे सीधे कर्नाटक के बीदर पहुंची। यह अवसर था ग्लोबल पीस विलेज रिट्रीट सेंटर के भूमि पूजन का, जहां दादी जी ने हजारों लोगों की उपस्थिति में शिलान्यास कर नए भवन निर्माण की नींव रखी। असीम ऊर्जा की स्रोत दादी जानकी जी ने इसके बाद भोपाल के नीलबर्ड स्थित नव निर्मित सुख शांति भवन का उद्घाटन कर लोक सेवा और जन कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। 104 वर्षीय दादी जी का गुजरात के ओंझा में भी आगमन हुआ, जहां नव निर्मित भवन ज्ञान तीर्थ का उद्घाटन कर लोगों के लिए सुख शांति की अंचली का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ दिन माउंट आबू रहने के बाद फिर दादी जी ने विश्व की सेवाओं के प्रति उड़ान भरी और वे हांगकांग पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पश्चिमी देशों में लोगों को मानवीय मूल्यों से पोषित किया। हांगकांग के बाद फिर उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां सहकार बडाला में मुंबई के सभी सेवा केंद्रों से 10,000 लोगों की उपस्थिति में आशीर्वचन देने पहुंची। इस अवसर पर विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार के वित्त, योजना और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार दादी जी की आगवानी करने पहुंचे। वहीं संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार की भी विशेष मौजूदगी रही।
कुछ दिन तक माउंट आबू में प्रवास के दौरान संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी पुनः अपने स्नेह और आशीर्वचनों की वर्षा करने दुबई पहुंची और सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में दादी जी ने अपने ओजस्वी वाणी से सभी में ऊर्जा का संचार कर दिया। अलौकिक आभा से परिपूर्ण दादी जानकी जी दुबई के बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए केन्या की राजधानी नैरोबी पहुंची, तो संस्थान से जुड़े केन्या के सुप्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमा समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने उनकी आगवानी कर दादी जी का स्वागत किया। फिर तो क्या था, दादी जी का कारवा विदेशी जमी पर बढ़ता रहा और वे लंदन पहुंची, जहां ईश्वरीय सेवाओं को धूमधाम से आगे बढ़ाने तथा दादी जी की एक झलक पाने के लिए पूरा ही यूके का ब्राह्मण परिवार उमड़ पड़ा था। विश्व कल्याणकारी दादी जी जब ह्यूस्टन पहुंची तो ब्राह्मण परिवार के साथ मोर ने भी पंख फैलाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद तो चाहे वह सिंधी ग्रुप से मिलना हो या मेडिटेशन कक्ष का उद्घाटन, हर कुछ अलग अलग अंदाज में दिखा। दादी जी के द्वारा नए भवन की नींव भी रखी गई। छह दिवसीय प्रवास पर राजयोगिनी दादी जानकी जी अमेरिका में बने पीस विलेज के 20 साल पूरा करने पर आयोजित कार्यक्रम में आशीर्वचन देने पहुंची। 20 वर्ष को एक यादगार लम्हे के रूप में मनाने के लिए भव्य आयोजन किया गया था, जहां दादी जी के पहुंचते ही सभी आनंदित हो उठे। दो माह अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में ईश्वरी सेवाओं को पूरा करने के बाद फिर उनका सफर प्रारंभ हुआ और कर्नाटक के गुलबर्गा में अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर का कई लोगों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। दादी जी की रूहानी और जिस्मानी उड़ान ने पुनः उन्हें स्पेन पहुंचा दिया। उन्हें देखकर वहां के लोग खुशी से झूम उठे और दादी जी के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस रूहानी दृष्टि का सभी ने भरपूर लाभ लिया। पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को स्थापित करना दादी जी का स्वप्न रहा है, तभी तो रक्षाबंधन का पर्व मनाने और उसका आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए दादी जी सीधे लंदन पहुंची और सभी को रक्षा के सूत्र का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। देश के बड़े राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ में दो योगियों और दो सत्ताओं के महामिलन का अनोखा नजारा देखने को मिला। आध्यात्मिक सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन दादी जानकी और राज सत्ता के प्रतिष्ठित पद पर बैठे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से नए गुलजार उपवन रिट्रीट सेंटर का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। योगी आदित्यनाथ काफी प्रफुल्लित दिखे। ऐसे में ओडिशा भी कहां पीछे रहता, दादी जी के कदम जैसे ही कटक पहुंचे, मानो आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा होने लगी। स्वर्णिम युग के लिए परमात्मा शक्ति विशाल आध्यात्मिक समागम में दादी जी से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, विधायक अरविंद ढाली समेत अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने मुलाकात की। इसके बाद दादी जानकी के कर कमलों से शांति सद्भावना हॉल का शुभारंभ भी किया गया। दादी जी की यात्रा कटक के बाद ब्रह्मपुर में प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर की तरफ बढ़ी, जहां दादी जी ने अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया। उनके आगमन पर लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वाई समेत कई राजनेताओं ने दादी जी से मुलाकात की। स्वर्णिम युग के लिए परमात्मा शक्ति थीम के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम का आगाज भी दादी जी की उपस्थिति में हुआ। दादी जी का कारवा बढ़ता रहा और प्राकृतिक धन धान्य से भरपूर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर आध्यात्म सत्ता और राजसत्ता का महासंगम देखने को मिला, जहां सूबे की राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजनीति के उच्च पद पर आसीन सीएम भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यह मौका था सर्वमंगल आध्यात्मिक महाकुंभ का, जिसमें उपस्थित राजनेताओं ने दादी जी के प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 104 साल की उम्र में भी सक्रियता किसी चमत्कार से कम नहीं है। रायपुर के बाद इंदौर जोन की ईश्वरी सेवाओं की स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं देने दादी जानकी जी का आगमन इंदौर में हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के साथ लंदन के मेयर राजेश अग्रवाल भी दादी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां शक्ति निकेतन की कुमारियों ने दादी जी के व्यक्तित्व पर बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की और सभी ने स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में इंदौर के नेमावर रोड पर 5 एकड़ में बनने वाले विशाल भवन शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर का भी दादी जानकी जी ने अनावरण कर इस भवन के निर्माण की नींव रखी। नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल, असीम ऊर्जा की स्रोत राजयोगिनी दादी जानकी ने 104 वर्ष की उम्र में एक वर्ष में 72,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि यदि नारी के पास आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति हो तो हर लक्ष्य मुमकिन है। तपस्विनी दादी जानकी ने यह मुकाम हासिल किया है तो यह सफलता स्वयं परमात्मा की शक्ति से ही संभव हुआ है। सीट पर सीट होना। लेकिन उनके जीवन की जिस्मानी पायलट बी के हंसा का योगदान अतुलनीय है। दादी पूरा परमात्मा के साथ जैसे हमेशा कनेक्टेड रहती है और ये ब्रह्मन ही सारा देश विदेश में कर सकती है। अगर भगवान की शक्ति ना होती तो वो ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो दादी को भी बहुत उमंग उत्साह रहता है कि मैं भगवान को चारों तरफ सारे देश विदेश में भगवान का प्रत्यक्ष करूं। दादी जी की इस उपलब्धियों के लिए उनके 104वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं।